अभी मैं जनपद मऊ में हूं और मऊ में हमारे साथ हैं, जिनको आप पहचान रहे होंगे, अंजलि चौहान जी। ये बहुत अच्छा ब्लॉगर भी हैं, सिंगर भी हैं और इसके साथ साथ कई ऐप पर जो है काम करती हैं। अभी हाल ही में एक मामला है जो कि मऊ जनपद से ही आप लोग देखे भी होंगे कि ममता चौहान जो कि इस दुनिया में नहीं है, उनका लगभग 3-4 दिन हुआ है, उनका मृत्यु हो गया है। अब कैसे क्या हुआ वो ज्यादातर पता नहीं है, अभी वो जांच का विषय हो गया है, पुलिस प्रशासन अब जांच कर रही है। बाकी मैं उसी कड़ी में मिलने के लिए आ गया अंजलि चौहान जी के घर पे, जो कि इनका वीडियो इनके परिवार से रिलेटिव आती है। सभी लोग इनके परिवार के, इनके मम्मी पापा, इनके भाई बहन, सभी लोग एक साथ मिल करके वीडियो बनाते हैं और बड़ा अच्छा इनको लोगों का प्यार मिलता है उस वीडियो पे। अक्सर करके देखेंगे आप तो इतना जल्दी से व्यू जाता है, इतना लोग पसंद करते हैं कि आप देख कर घबरा जाएंगे कि एक मऊ जनपद की लड़की इतना अच्छा परफॉर्मेंस अपने घर पे रह के कर रही है। तो सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो सभी को नमस्ते प्रणाम, जो भी अंगारा न्यूज की तरफ से देख रहे हैं हमको। आपका नाम क्या है? आरती चौहान। आप इनकी माता जी? हाँ। और आप खुद मतलब मेन, पूरा वीडियो का आप ही मेन है ना? जी। और आप? हम इनके जैसे मामा के लड़के हैं। अच्छा, आप भी साथ ही में? हाँ, साथ ही बनाते हैं। आपका नाम? स्वीटी। आप सिस्टर हैं? हाँ। सब लोग पूरा फैमिली मिल के एक साथ? हाँ, बनाते? सब लोग साथ में बनाते हैं। अच्छा, ये कब से जुनून आया, कब से ख्याल आया कि नहीं हम वीडियो बनाएं और फिर आप लोग वीडियो बनाना शुरू कर दिए? एक्चुअली बचपन से जुनून तो मेरा बचपन से है कि कुछ ना कुछ करूंगी जरूर अगर जन्म भी हूँ तो। तो वही पहले बचपन में दो ही शौक था, एक हीरोइन बनने का और एक पढ़ लिख के कुछ बड़ा करने का। तो पहले तो सोची थी हीरोइन बनेंगे, फिर समय के साथ साथ मुझे लगा कि इतना आसान नहीं हीरोइन बनना, तो फिर मैं पढ़ाई करने लगी। तो पढ़ाई करते करते अचानक से लॉकडाउन लग गया, फिर मैं सोची चलो टिकटॉक आया है तो उस पर किस्मत आजमाते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो अब पढ़ाई छोड़ के इस लाइन में आ गए। अच्छा। हाँ, पर मैं ये चाहती हूँ, मेरा ये है कि मैं कुछ भी करूँ ना तो उस लाइन में मेरा नाम हो, बेस्ट से बेस्ट करूँ ऐसा। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, अभी आपके हिस्ट्री जानने से पहले थोड़ा सा बात करूंगा कि जो कि हाल ही में एक घटना घट गई है और आप भी एक सिंगर हैं और माता जी आप समझ रही हैं कि अभी इस लाइन में कितना मेहनत है, कितना परिश्रम करके इस जगह पे पहुंची हुई है। तो जो ममता चौहान है वो भी शायद उतना ही मेहनत की होगी और आज इस दुनिया में नहीं। खाना ना खा ले, इतना मेहनत करी कि खाना खेबे ना करी, अगर हम खाना ना दे ना तो इतना मेहनत कर ले रातों दिन कि खाना ना खा ले। हाँ, तो इतना मेहनत करके उस जगह पे पहुंचना और ममता चौहान की जो मृत्यु हो गई उससे कितना दुख हुआ, कैसे? एक्चुअली मेहनत तो सही बात है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। और ममता चौहान के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती हूँ, बस मैं जानती हूँ एक गाना उनका वायरल हुआ था कि आन बान शान लवर चौहान, तो मेरे राइटर जी लिखे थे तो वो बताया, तब से मैं उनको जान रही हूँ। और दूसरी बात ये कि उन्होंने, वो मर गई हैं, अभी इस दुनिया में नहीं है, तो क्या पता कि वो खुद से जैसे कि जैसे भी वो मानसिक तनाव की वजह से मरी हैं या फिर किसी बीमारी की वजह से मरी हैं, पर जैसे भी मरे हमें जितना हो सके उतना चाहिए कि हमारे पास दो पैसे आ रहे हैं तो हम अपनी बीमारी में लगाए, मतलब ठीक हों, अपनी पर्सनालिटी को एकदम अच्छा बना कर रखें, हेल्दी रहे, है ना। और दूसरी बात कि अगर वो मानसिक तनाव की वजह से मरी हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि हमें उतना स्ट्रांग बन के रहना चाहिए, हम इतना मेहनत करके आगे बढ़े हैं तो हम क्यों किसी दूसरे की वजह से अपनी जान दें, है ना, चाहे मैं हूँ या वो हूँ या कोई भी लड़की हो। कुछ पल के लिए भूल जाते हैं लोग और इस दुनिया को जो है छोड़ के चले जाते हैं और दुनिया से फिर क्या। एक्चुअली मैं भी एक लड़की हूँ और दुनिया में आए हैं तो सुख दुख तो लगा रहता है, और ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं लगा रहता है ना, पर हम हैं तो उस चीजों को झेलते हैं, लड़ते हैं, उस चीज से सामना करते हैं, ना कि हम खुद को नुकसान पहुंचाएं। हाँ, सभी लड़कियों को मैं ये चीज बोल रही हूँ। ये दूसरी घटना है जबकि पहली घटना आप जानते होंगे अच्छी तरह से कि आकांक्षा दुबे वाला। हाँ, एक्चुअली यही सारा देख के मैटर ना, मैं एक गाना गाई हूँ कि ही जमाना काहे जोरे जब बेटी आगे बढ़े, या तो मतलब कि बहुत ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया इस गाने को। इस गाने को सभी लोग सुनना चाहेंगे क्योंकि आप जो गाना गा दी हैं, तो एक कड़ी में सोचूंगा कि थोड़ा सा सुना दें और बाकी इस गाने को कहाँ लोग पूरा सुन पाएंगे ये भी बता दीजिएगा।
तो यूट्यूब मेरा अंजलि चौहान ऑफिशियल चैनल है, उस पर मेरा गाना चढ़ा है। अभी हो गए कम से कम 12 दिन हो गए और ये गाना मेरा चढ़ा है। और मैं सच बताऊं तो एक्चुअली ये मुझे अच्छे से लाइन याद नहीं, बस एक लाइन याद था तो मैं आपको सुना दी हूँ, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। चलिए इनके चैनल पर जाके पूरा गाना सुन सकते हैं। लेकिन जो इनकी बात है कि मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई भी हो उसको इस दुनिया को छोड़ के जाना चाहिए, इतनी जल्दी जिंदगी से हार नहीं माननी चाहिए। जैसे अगर स्वास्थ्य खराब है तो जितना भी मेहनत करें तो अपने स्वास्थ्य में पैसा लगाना चाहिए, अपना स्वास्थ्य सही करना चाहिए। और मानसिक रूप से अगर कोई प्रॉब्लम है तो मानसिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए, ताकि किसी की बात सुनकर या फिर कोई भी बात सुनकर एकाएक अपने प्राण को त्याग देना या फिर किसी अपने परिवार को इस उस समस्या में डाल देना ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। चलिए अब तो वो जो हुआ अब तो उसका वो भी जांच का विषय है, और पहला भी आकांक्षा दुबे वाला भी वो भी जांच का विषय है, वो भी जांच चल रही है। अब आगे क्या होगा उसके बारे में अब आगे हम लोग देखेंगे, और आप लोग भी न्यूज पे कभी कभी देखते रहेंगे कि क्या क्या हो रहा है हर डेली। क्या होता है ना कि जैसे कि लड़की हूँ तो मैं भी जानती हूँ, जैसे कि हमें सामने वाला बहुत ही अक्कर वो डिप्रेशन में लाता है, हम झेलते हैं शर्म के मारे या दुख के मारे अपने घर वालों को नहीं बताते हैं, जो चीजें ना आगे चल के बहुत नुकसानदायक होती हैं और फिर वही एक दिन हमारे लिए हानिकारक होती हैं। तो जो भी लड़की है मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि जो भी आपके पास समस्या है ना, माँ बाप आपको जन्म दिए हैं, बिल्कुल आपका हक है अपने माँ बाप से अपनी सारी समस्याओं को कहना, तो प्लीज आप अपने माँ बाप को अपनी सारी समस्याएं दीजिए। देखिए यही है सब समस्या, और माँ बाप को हर चीज बताना चाहिए क्या हो रहा है, क्या पूरा दिन में दिनचर्या में क्या इनके साथ हुआ, कैसे कैसे काम किए, पूरा अपने माँ बाप को शेयर करना चाहिए। तो उससे क्या है कि हमेशा मानसिक तनाव में नहीं रहेंगे, मानसिक तनाव से मुक्त रहेंगे आप। और दूसरी बात कि अब जैसे ये परिवार में वीडियो बनाती हैं, अभी अभी तक बाहर कहीं किसी के साथ बड़े सिंगर के साथ या फिर कहीं एल्बम करने के लिए गई है कि नहीं? एक्चुअली एल्बम के लिए तो नहीं गए हैं, और जैसे मिले हैं विजय चौहान जी से और सर्वेश सिंह जी से, और मतलब मिले हैं बस बातचीत हुआ है, इतना भी गाना नहीं गाए हैं। जो भी मेरी पहचान बनी है गायकी लाइन में वो मेरी वजह से ये भी बनी है, पर मैं चाहूंगी कि मैं भी उस लायक बनूं कि बड़े सिंगर के साथ मैं भी गाना गाऊं। लेकिन विलम्ब हो रहा है क्यों? अभी जैसे मैं तमाम मामला देख रहे हैं उसी तरह से अभी घर परिवार में ही कर रहे हैं, शायद अभी माँ बाप परमिशन नहीं दे रहे होंगे कि आप बाहर जाएं, क्योंकि काम नहीं, बिल्कुल परमिशन है, मैं जाती हूँ बनारस। अच्छा। अपना गाना गाने, हाँ मैं जाती हूँ, मतलब कि जैसे कि अभी एक साल मुझे हुआ है तो शायद मैं शायद उस लायक नहीं हूँ, मुझे नहीं अपने साथ लोग गवा रहे हैं, तो मैं उसी कोशिश में लगी हूँ कि मैं उस लायक बनूं, मुझे लोग गवाएं, और मैं चाहती हूँ कि मेरी पहचान मेरी वजह से भी बने, इसके लिए मैं ज्यादातर मतलब सिंगल सॉन्ग ही गाती हूँ ऐसा। मऊ जनपद से हैं और मऊ जनपद में आपका भी अच्छा परफॉर्मेंस है, लोग बड़ा अच्छा से देखते हैं, और अभी आप बताइए किस किस पे कितना कितना आप मेहनत कर रही हैं? एक्चुअली जिसपे मैं स्टार्ट की थी वीडियो बनाना टिक्की है वो मेरा, अब टिकटॉक बैन होने के बाद टिक्की, तो उसपे तो मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, मतलब कि समझिए कि 24 घंटे में 2 ही घंटे ऐसा होता है जिस जो हम नहीं दे पाते हैं, मतलब ऐसे होते हैं उसमें लाइव रहना होता है, चैटिंग चालू करना होता है, तो मतलब हमेशा उसमें लगा ही रहना होता है ऐसा है। और यूट्यूब पे भी मैं गाने वगैरह गाती हूँ, तो उसपे भी मेरा 2-2 चैनल है, एक अंजलि चौहान ऑफिशियल एक अंजलि चौहान ब्लॉग, तो दोनों मेरा चलता है। और इंस्टा पे भी मेरी आईडी है सिंगर अंजलि चौहान नाम से, वो भी ठीक ठाक चलती है, और टिक्की है, मौज है।